आप प्रस्तावक नहीं है, अरे हमने कहा प्रस्तावक को बगैर तुम्हारे फिर आज वापस जा रहे हैं, कल फिर आएंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल यानी शुक्रवार को है। इस बीच हर दिन कोई ना कोई दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है। इन सब के बीच कानपुर लोकसभा सीट लगातार चर्चा में बनी हुई है। कुछ दिनों पहले भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी शहर पहुंचे थे तो पार्टी कार्यकर्ता उन्हें पहचान ही नहीं पाए, किसी दूसरे को माला पहना दी। अब इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा के नामांकन में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बिछ गई है चुनावी शतरंज के बिसात, कौन होगा तुरुप का इक्का, कौन बनेगा सियासत का बादशाह। किसका पलड़ा होगा भारी, किसके राज तिलक की है तैयारी। 24 का रणकुंभ। दरअसल विपक्ष के प्रत्याशी आलोक मिश्रा कानपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में जुलूस के साथ नामांकन करने पहुंचे। जुलूस में सपा कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता थे। इस बीच सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को पता चला कि उनका नाम प्रस्तावक की लिस्ट में है ही नहीं, तो वो जुलूस छोड़कर चले गए। इधर जब आलोक मिश्रा को पता चला कि अमिताभ वहां है ही नहीं, तो उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने ही सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को फोन लगा दिया, उन्हें मनाया और वापस आने की गुहार लगाई। आलोक ने फोन पर कहा कि तुम मेरे प्रस्तावक हो, तुम नहीं आओगे तो मैं नामांकन दाखिल नहीं करूंगा, आज वापस चला जाऊंगा, कल फिर आऊंगा। इतना ही नहीं, आलोक मिश्रा इस दौरान अमिताभ वाजपेयी को आवाज़ देने और देखने के लिए बैरिकेडिंग तक पर चढ़ गए। खैर, इसके बाद अमिताभ वापस आए, नामांकन कराने पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने 5 से ज़्यादा लोगों को अंदर जाने से मना कर दिया, तो अमिताभ वाजपेयी को भी बाहर रोक दिया। जब इस बात की जानकारी कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा को लगी तो वो भी बाहर की तरफ भागे और पुलिस से कहने लगे कि अमिताभ उनके प्रस्तावक हैं और उनका अंदर जाना जरूरी है, लेकिन पुलिस अमिताभ को अंदर जाने से लगातार रोकती रही, जिससे गुस्साए गठबंधन प्रत्याशी आलोक मिश्रा पुलिस के सामने ही जमीन पर बैठ गए। कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा तब तक खड़े नहीं हुए जब तक पुलिस ने विधायक अमिताभ वाजपेयी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। कलेक्ट्रेट परिसर में काफी देर तक कांग्रेस प्रत्याशी का हंगामा चलता रहा। ये हंगामा मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। हालांकि पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। इधर जब आलोक मिश्रा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सभी बातों से इनकार करते हुए कहा कि अमिताभ राजा राम पाल के जुलूस में गए थे और वो सड़क पे इसलिए बैठ गए क्योंकि वो थक गए थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।